जनपद संभल की चंदौसी में राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा ने चंदौसी अलीगढ़ हाईवे पर होने वाले निर्माण कार्य का पूजा करके फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। जनपद संभल की चंदौसी में आज मंडी समिति गेट पर NH 93 चंदौसी ग्रीन मोड़ से मंडी समिति होते हुए चंदौसी बाईपास श्री कृष्णा मैनेजमेंट कॉलेज मोड़ 192.32 किलोमीटर से 197.45 किलोमीटर तक कुल वास्तविक लंबाई 5.13 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी ने पूजा अर्चना के साथ फीता काट कर किया, जिसकी लागत 126.81 लाख है, जबकि संपूर्ण निर्माण कार्य की लागत 6,23,00,000 है, जिसमें सड़क के साथ साथ दोनों साइड नाले का निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य भी सम्मिलित है। सरकार को फायदा तो यही है कि सरकार हमारे निर्माण कार्य में विश्वास रख रही है। ये रोड विगत दसियों साल से टूटा हुआ पड़ा था और यहाँ तक कि इसकी पहचान जब कोई व्यक्ति चंदौसी में घुसता था और उसे धक्के लगते थे तब वो समझता था कि इतने झटके चंदौसी में ही लग सकते हैं, इस चीज़ की पहचान थी। लेकिन आज पहचान चमचमाते ही सड़क से होगी। जब वो कहीं से भी आएगा और चंदौसी की सीमा में आएगा तब उसे ये पता लगेगा कि चंदौसी आ गई, इतनी बढ़िया सड़क ये बनेगी। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा है और 1.26 करोड़ से अधिक पैसा इसमें लगेगा। जो भी सड़क पड़ेगी उस बराबर में नाला भी बनेगा और साइड से इंटरलॉकिंग भी होगी, तो बहुत अच्छी सड़क बनेगी। इतना समय लगा इस सड़क के निर्माण में, उसका मुख्य कारण ये था कि पहले ये सड़क नेशनल हाईवे में थी। नेशनल हाईवे की सड़क के लिए PWD नहीं बना सकता। जब ये पता लगा तो मैंने उसके लिए नेशनल हाईवे से इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट में चेंज किया और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी से अनुरोध करके ये पैसा स्वीकृत कराया। आज ये उन्होंने पैसा स्वीकृत कर दिया, अब ये सड़क का निर्माण हुआ। जनता के लिए जो भी कष्ट हुआ मैं उसके लिए जनता से क्षमा चाहती हूँ कि बहुत मैंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद आज मुझे सफलता मिली है कि इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। अब बहुत जल्दी ही जहाँ जहाँ टूटी सड़कें हैं, जहाँ जहाँ गड्ढों वाली सड़कें हैं या जो नव निर्माण की सड़कें हैं वो भी बहुत जल्दी ही हमारी सरकार उनका निर्माण कराएगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप सब लोगों की प्रसन्नता को देखकर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ये सड़क का निर्माण हो रहा है और हमारी जनता के लिए राहत मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय अपने उप मुख्यमंत्री केशव जी के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर यह धन स्वीकृत किया।